मैम हमारे पास 3 प्लैकार्ड्स हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप बताइए कि हम किस वे से रेप को टैकल कर सकते हैं इंडिया में। मेरे हिसाब से ऑल 3। फिर भी वी वांट यू टू, आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम इस चीज़ को एक ना एक सुनहरे पर्दे के थ्रू देखते हैं और उस चीज़ को बहुत कन्वीनियंटली अवॉइड करते हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं। और सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको ओपनली देखें तो शायद रेप्स कम हों। सो आई थिंक दिल से एक अपील है कि अपने बच्चों को सही सेक्स एजुकेशन दो। यहाँ पे स्ट्रेस मैंने सही पे किया है, प्लीज़ डोंट बी मायोपिक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड अनदर थिंग, शी हैज़ अनदर प्लैकार्ड एंड आई थिंक आई वुड वेरी वेरी सिंसियरली गो फॉर दिस आल्सो। एंड व्हाई डू यू थिंक सो मैम, हैंग टिल डेथ तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद भी उस चीज का, और इमीडिएटली होगा तो लोगों के माइंड में भी फ्रेश रहेगा, कम से कम लोग डरेंगे तो सही। चलो वो तो जस्टिस है कि जिसने गलत काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब सऊदी और यूएई कंट्रीज में देखो ना कितना, आई मीन इंस्टेंट, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट। लॉ ऑफ कर्मा तो बाद में आपको देखेगा, सबसे पहले तो ये कर्मा होना चाहिए आपका कि यू शुड बी शॉट डेड, हैंग भी नहीं, मेरे हिसाब से तो शूट कर दो उनको पब्लिकली, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली शॉट पब्लिकली। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ मैसेज फॉर यंगस्टर्स बिकॉज़ देयर इज सो मच आई वांट टू टॉक, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट आई वुड लाइक टू टेल यू टू बी यू नो वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आजकल हमें इतनी फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन लाइक यू से कि देर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ फ्रीडम, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू हैव द फ्रीडम टू डू, यू हैव द फ्रीडम फॉर सोशल मीडिया, बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू हैव फ्रीडम विथ गोइंग ऑन स्ट्रीट्स एंड क्रिएटिंग अ मेस लाइक वी डू इन, सॉरी टू से लाइक वी आर सीइंग इन आवर कंट्री, प्लीज़ बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तो अलॉन्ग विथ योर फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लीज़ समझो।